कुछ नहीं जानते हैं सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई हैव डन माय फार्मेसी फ्रॉम भोपाल TIT कॉलेज एंड आई एम फार्मासिस्ट नाउ डूइंग माय ट्रेनिंग इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. जैसे कि यहाँ पर आप मुझे सभी देख रहे हैं, मैं बिना हेजिटेशन के जो थोड़ा बहुत भी बोल पा रहा हूँ आपके सामने, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कोचिंग क्लास एंड दिस इंस्टीट्यूशन एंड वेरी थैंकफुल टू अवर ट्यूटर मिस्टर सुरेश मौर्यन सर एंड हु टॉट मी वेल एंड एज वेल एज टू ऑल. जैसे कि मेरे साथ साथ सभी को सिखाया, पर्टिकुलर मुझे बस नहीं इन्होंने टीच किया है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दिस सीनियर्स हु हैव जस्ट हेल्प मी दैट टाइम व्हेन आई हैड कम इन दिस कोचिंग क्लास. एंड एक एक्सपीरियंस मैं अपना जरूर शेयर करना चाहूँगा. जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था और मैं बहुत डरा हुआ था उस टाइम, दिव्या वाज माय सीनियर. सो व्हेन आई हैड इन दिस कोचिंग क्लास, सो एक दिन एक टास्क था सेल्समैनशिप डेमो, शायद से आपको याद हो, बहुत सारे टास्क होते हैं सेल्समैनशिप डेमो प्रेजेंटेशन डे. सो वो टाइम बुधवार का दिन था सन 2011, वो भी बट डेट याद नहीं है अभी तो मुझे. और उस दिन ग्रुप डिस्कशन हो रहा था जी डी सब, और टॉपिक वॉज टाइम के ऊपर टॉपिक था हमारा. सभी सीनियर स्पीच दे रहे थे इंग्लिश में फटाफट, एंड आई वाज थिंकिंग दैट व्हाट विल आई डू व्हेन माय टर्न विल कम, मैं क्या करूंगा जब मेरा टर्न आएगा. एंड सर भी वहां पे नहीं थे उस टाइम, सो आई वाज थिंकिंग दैट जैसे ही सर आएंगे आई विल जस्ट गो आउट, तुरंत बाहर भाग जाऊंगा, दैट मे आई गो सर. बट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग देयर इज नथिंग, व्हाट विल आई डू, इतना ज्यादा घबराया हुआ बिल्कुल आप लोगों की ही तरह. लेकिन किस्मत थोड़ा अच्छी थी कि सर समय के पहले अगर भाग गया, बुरा भी थोड़ा बहुत लगा मुझे उस टाइम. बट देन आई रियलाइज दैट इफ आई विल से समथिंग, इफ आई कुड से समथिंग, देन दैट विल इंक्रीज मी सम स्टेप्स अहेड टू माय बेटर. अगर मैं थोड़ा ही कुछ बोलता तो वो मुझे बेटरली एक स्टेप आगे तो करता ही. जैसे कि आज आप यहाँ, आपने सभी यहाँ पर डांस भी किया एंड जोक शायरी, एंड वेरी थैंकफुल टू आवर एंकर जिन्होंने आपके एंकरिंग की होस्टिंग की संभाला, सो मैं भी उनको थैंकफुल करना चाहूंगा. तो पहले हम भी ऐसे ही थे, थोड़ा बहुत जोक शायरी बोल दिया करते थे, अभी तो सब एक लाइन से मुझे बैठे हुए दिखे बहुत ही कम है यहाँ पर जिन्होंने डांस किया स्पीच दिया. पता नहीं हुआ है, शायद हेजिटेशन हो किसी में, शायद से कुछ हो, क्योंकि इतने सारी भीड़ भाड़ में बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं. बट आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम हियर एंड स्टैंडिंग बिफोर यू ऑल एंड टॉकिंग टू यू ऑल, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ. सो यू ऑल नो दैट व्हाई, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में रहकर, इस ग्रुप के साथ जुड़कर, जो मैं 7 ईयर्स और अबाउट मैक्सिमम 8 ईयर्स से इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, जिसके कारण ये डर मेरा मिट चुका है. एंड इन कॉलेज में आप यू विल नॉट एबल टू बिलीव दैट, जब भी मैं क्लास में खड़ा होता हूँ तो टीचर मुझे ही देखते हैं. आ गया ये सर भी हमेशा कहा करते थे बदमाश है, आप गए ही है. सो इसी टाइम मैं यही चाहूंगा दैट कीप ग्रोइंग ऑलवेज, इफ यू वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, इफ यू वॉन्ट टू गेट वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड योर अचीवमेंट, अगर आप सोच रहे हैं जो आपको चाहिए, जस्ट डू वन थिंग, गेट ए स्टेप और टेक ए स्टेप, हमेशा एक स्टेप लो, देन नो वन विल एंड नो वन कांट स्टॉप यू टू गेट योर अचीवमेंट. सो थैंक यू एंड थैंक फॉर योर.